जम्मू कश्मीर में 8 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में शर्मनाक सियासत हो रही है। बीजेपी के मंत्री ही महबूबा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। गैंगरेप केस और जम्मू से रोहिंग्या को न हटाने की मांग को लेकर बंद बुलाया गया था। कठुआ में 15 जनवरी को 8 साल की बच्ची का शव मिला था। इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने ये बंद बुलाया है। आज बंद के दौरान वकीलों ने प्रदर्शन किया, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। 10 जनवरी को 8 साल की बच्ची चारा लेने गई थी, बाद में उसका शव मिला। बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था, शरीर पर पत्थर के मारने के निशान मिले, गला घोट कर जान ली गई। प्रदर्शन कर रहे वकीलों के मुताबिक केस में एक ही समुदाय के 8 आरोपियों को जानबूझकर फंसाया गया है। केस सीबीआई को देने की मांग की जा रही है। जम्मू में जगह जगह वकील सड़कों पर उतरे और हाथ में तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों ने बीजेपी और पीडीपी के खिलाफ भी प्रदर्शन किया, रोहिंग्या गो बैक के नारे लगाए। वकीलों का कहना है कि गैंगरेप की जांच वो पुलिस अधिकारी कर रहे हैं जो कई विवादों में हैं। बीजेपी के 2 मंत्री भी महबूबा सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। आज गैंगरेप केस में चार्जशीट दाखिल हुई थी। कोई भी ताकत जो कि इस मामले में सियासत या मजहब को लाने की कोशिश करे, मैं समझता हूँ वो बहुत ही निंदनीय बात है और हम सबको उसकी निंदा करनी चाहिए। वज़ीर आज़म बच्चियों के एम्पावरमेंट और महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं और उन्हीं के पार्टी के एमएलए जो एक्यूज्ड हैं इस दर्दनाक और इस हीनियस क्राइम के, उनकी ताईद में जुलूस निकालते हैं।